नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। देश में कोरोना की स्थिति का लिया जायजा। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड 19 की ताजा स्थिति को लेकर दिया बयान। कहा, विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच सभी हवाई अड्डों पर आज से हुई शुरू। उत्तर प्रदेश में कोविड की नई चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कोविड प्रबंधन के निर्देश। और उत्तर भारत में ठंड का कहर, प्रदेश ने भी ओढ़ी कोहरे की चादर, पारा गिरा नीचे। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सरकार ने रैन बसेरा और अलाव जलाने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। चीन और जापान जैसे देशों में कोविड 19 की लगातार बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोविड 19 की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में प्रधानमंत्री को देश में कोरोना के ताजा स्थिति के विषय में अवगत कराया गया। वहीं लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड 19 की ताजा स्थिति को लेकर बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने कोविड का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया है। देश में स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना के खिलाफ देश में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में राज्यों की मदद की जा रही है। जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरियंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उसी के अनुसार कदम उठा रहे हैं। साथ ही सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना निर्देश के पालन और विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच आज से सभी हवाई अड्डों पर आरंभ हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटीपीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समक्ष नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना की वर्तमान वैश्विक स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। टीम 9 के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए आमजन को प्रेरित करें।
साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि नए वेरिएंट पर नजर रखी जाए और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने कोविड टेस्ट और प्रिकॉशन डोज बढ़ाए जाने का भी निर्देश दिया। साथ ही आईसीसीसी को एक्टिवेट करने, एएनएम और आशा बहनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोविड का कोई भी नया केस प्रदेश में नहीं मिला है। देश में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए प्रदेश में कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रदेश में आने वाले चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील के यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच किए जाने के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं। आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी करेगी और इन्हें होम आइसोलेशन में 14 दिन रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड और दवाइयों के इंतजाम ठीक रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़भाड़ होती है वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयू थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थी उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे और हर चीज से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। जो कोविड का नया वेरियंट आया है उसके मामले में भी यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर ओके भाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आगे भी जारी रहेगी। इस योजना को विस्तार देते हुए करोड़ों लोगों को राहत दी जा रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। इस योजना में अब लोगों को चावल ही वितरित किए जाएंगे। इसको लेकर आयुक्त खाद्य एवं रसद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शामली जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 22 दिसंबर से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू किया गया है। योजना के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 5 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण 21 दिसंबर तक किया जाएगा। शामली जिले में कुल 2,22,495 कार्ड धारक हैं। पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना से गरीबों में खुशी का माहौल है। लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने गरीब योजना चला के फ्री राशन की बहुत बहुत धन्यवाद का काम किया। जैसा कि कोरोना काल में गरीब आदमी बड़े परेशान थे, उस परेशानी का इन्होंने ध्यान में रखते हुए ये योजना चलाई। हम आभारी रहेंगे और हम चाहते हैं कि ये योजना बराबर चलती रहे। प्रधानमंत्री की योजना चल रही है राशन की, इसमें मुझे 3 यूनिट मिलती है, 5 किलो और 5 किलो गेहूं। बहुत अच्छी योजना है, कोरोना काल में भी बहुत लोगों को बहुत हेल्प हुई है इससे और मैं चाहूंगी कि बल्कि आगे भी इसी तरह चलती रहे योजना और सभी को लाभ मिलता है।
और समाचारों में अभी लेते हैं एक ब्रेक। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। और अब बात श्रावस्ती की। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में कटे फटे होठ व तालू वाले बच्चों को सूरत मिलेगी। आज एक संस्था द स्माइल ट्रेन के सहयोग से यह सुविधा भिंगा के जिला संयुक्त चिकित्सालय में कैंप लगाकर दी गई। मेडिकल साइंस के मुताबिक होठ या तालू के कटने की विकृति दो तरह से जकड़ती है, पहली अनुवांशिक और दूसरी अधूरे गर्भकाल के कारण। ऐसे में शिशु दिनों दिन कमजोर और बीमार होते जाते हैं। उनमें सामान्य बच्चों की तरह खेलने कूदने की ताकत नहीं होती। वे होंठ या तालू के कटने के बाद बच्चे को मां का दूध पीने में दिक्कत होती है, जिससे बच्चे भूखे रह जाते हैं। यही कमजोरी का कारण बनता है, जिसको लेकर जिला अस्पताल में आज कैंप लगाया गया, जहां पर बच्चों को जिनके तालू और होंठ कटे थे उनका परीक्षण किया गया, जिसमें 55 बच्चों का पंजीकरण हुआ और 27 बच्चों का चयन हुआ, जिनका ऑपरेशन दो दिनों में किया जाएगा। डॉक्टर पार्थ ने बताया कि सर्जरी से पहले बच्चे का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसके लिए जांच के बाद मां को दूध पिलाने के टिप्स दिए जाते हैं। बेबी को सुलाने की बजाय गोद में बिठाकर दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। एक किताब दी जाती है जिसमें विस्तृत जानकारी होती है। और अब बात वाराणसी की। वाराणसी शहर को पाइपलाइनों के द्वारा घरों में पानी सप्लाई करने वाले वाराणसी जल संस्थान ने अपने परिसर में सोलर पावर प्लांट के साथ साथ सोलर ट्री को भी लगाया। सोलर ट्री अपने आप सूरज को ट्रैक कर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। वाराणसी जल संस्थान पंप के जरिए गंगा जल को स्वच्छ कर पाइपलाइन के द्वारा वाराणसी शहर के घरों में पेयजल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से काफी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंप को चलाने में होता है। 2 मेगावाट के सोलर प्लांट लगने से लगभग 25 लाख रुपए कर रहा है, जिससे कि स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जल दोनों को ही पूर्ण कर रहा है। भेलूपुर WTP कैंपस में 2 मेगावाट सोलर पावर स्टेशन का अधिष्ठापन कर रहे हैं, जिसमें 1.8 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड है और 0.2 मेगावाट सोलर ट्री माउंटेड है। सोलर ट्री सूरज के अनुसार ट्रैक करते हुए सूरज की डायरेक्शन में अपने आप को बदलकर बिजली को अधिकतम उत्पादित करेगा। इसकी लागत लगभग 17 करोड़ है। इससे महीने में लगभग 25 लाख का बिल हमारा बिजली की सेवी करेगा। और समाचारों में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। Cut it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि विज्ञान केंद्र बघरा के प्रांगण में किसान मेले और कृषक गोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया ने मेले का उद्घाटन किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बैंक अहम भूमिका निभा रहे हैं। केसीसी को लेकर सब्सिडी की तमाम योजनाओं का लाभ किसानों को बैंकों के माध्यम से ही मिल रहा है। एसबीआई के उप महाप्रबंधक कृषि राजीव रत्न श्रीवास्तव ने किसान गोष्ठी में कहा कि बैंक किसान और सरकार के बीच दूरी का कार्य कर रहा है। बैंक का उद्देश्य किसानों का अधिक से अधिक हित करना है। उन्होंने बैंक संबंधित विभिन्न योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर ऋण, कृषि स्वर्ण ऋण, कृषि उपयोगी यंत्र ऋण, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन आदि की जानकारी दी। आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में केवीके बघरा में किसान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिले के लगभग 400 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई हैं, जिसमें बैंक की विभिन्न योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिस्प्ले किया गया है और किसानों की जानकारी के लिए बहुत सारी हमने यहाँ स्टॉल्स लगाई हैं। यहाँ हमारा लेक्चर का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ हमने बाहर से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट वगैरह बुलाए हैं और बैंक के बड़े अधिकारी हमारे दिल्ली से पधारे हुए हैं, ताकि किसानों को उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी योजनाओं की जानकारी दी जाए। हम देश की तरक्की के लिए किसानों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किसानों को कैसे जागरूक बना सकते हैं, ताकि वो उन्नत कृषि करके देश को भी आगे बढ़ाएं और अपनी आमदनी को भी आगे। और अब बात जनपद अलीगढ़ की। जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव अंचल की सड़कों की सूरत बदली है। सड़कों के बनने से ग्रामीण किसानों, व्यापारियों और खेतिहर मजदूरों की जिंदगी बदली है। जिले में लगभग 763 किलोमीटर की 151 ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो चुका है और शेष लगभग 22 सड़कों का 177 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की बेहतरीन सड़कों के जाल ने जिले के ग्रामीणों को न केवल नई दिशा दी है बल्कि नई उम्मीदों से भी भर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बन जाने से आने जाने में समय कम लगता है और तब से हमारे इलाके में कोई दुर्घटना भी नहीं हुई है। ये सड़क पहले बहुत ही खराब थी, आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी यहाँ पे। अब ये सड़क प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी से सड़क बनी हुई है, इससे हमें आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती, हमारी ढकेल जो है ना पंचर भी नहीं होती और समय भी कम लगता है। और पहले बहुत गड्ढे थे, बहुत टाइम लगता था आने जाने के लिए और अब बहुत सुविधा है। और मैं ये चाहता हूँ हर रोड ऐसी बने ताकि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। तक अगर देखा जाए तो कुल 151 संपर्क मार्ग इस तरीके से बनाए जा चुके हैं और इससे ग्रामीण इलाकों की जनता को अपने कार्यों के लिए शहरी और शहरी क्षेत्रों में आने के लिए कनेक्टिविटी की जो समस्या थी उसको रिजॉल्व किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि इसका लाभ अलीगढ़ के। मथुरा में पुलिस ने लाल चंदन की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है जबकि 4 आरोपी फरार हो गए। इनके कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए की लाल चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। लाल चंदन की लकड़ी आंध्र प्रदेश से तस्करी कर लाई गई थी। तस्कर इसे वृंदावन और मथुरा समेत धार्मिक स्थलों पर सप्लाई करने वाले थे। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि 4 फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एसएसपी ने तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत भी किया है। गैंग को गिरफ्तार करने के उपरांत जो इनसे पूछताछ हुई है, इसमें इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये कहां से आ रही थी और अल्टीमेटली कहां कहां ये भेजी जाती, डिस्पोज की जाती, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्लूज हमारे पास हैं। अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, तो उस पर हमारी टीमें जो हैं स्टीएफ की टीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, वन विभाग की, इस पर काम कर रही है तथा इन गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है।
मथुरा वृंदावन में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। ये कॉरिडोर 1200 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को सीधे जोड़ा जाएगा। ये ग्रीन फील्ड 100 मीटर चौड़ा होगा। इसके किनारों पर मथुरा वृंदावन की संस्कृति के साथ बांके बिहारी के रूप के भी दर्शन होंगे। मथुरा के वैभव को पुनः विश्व पटल पर लाने के लिए यह योजना कारगर साबित होगी। इसे PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। इस ग्रीन फील्ड के किनारे म्यूजियम के साथ साथ द्वापर काल के जो गांव थे उन्हें भी विकसित किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से नंदगांव, बरसाना और गोकुल शामिल हैं। कई तालाबों को भी विकसित किया जाएगा जिसे लोग पैदल यात्रा करके भी देख सकेंगे। शुरू में जब ये योजना बनाई गई तो ये एग्जिस्टिंग राया कट से लेकर के और बांकी बिहारी मंदिर तक था, लेकिन ये पाया गया फिजिबिलिटी स्टडी में कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है जिसको हटा करके नया कॉरिडोर बनाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसकी दोबारा फिजिबिलिटी कराई गई और अब DPR जो प्रस्तुत हुई है उसमें जो है राया कट से 6-7 किलोमीटर पहले ही एक नया एक्सप्रेस वे हम बांकी बिहारी मंदिर तक बनाने जा रहे हैं। और उस एक्सप्रेस वे के साथ साथ दोनों तरफ हम थियोलॉजिकल विलेज, टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाटर बॉडीज, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कथा वाचनालय, गीता से संबंधित चीज़ें, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये सारा का सारा हम वहाँ पर डेवलप करेंगे और ग्लोबल टेंडरिंग होगी इसकी, PPP मोड पे होगा और जो एक्सप्रेस वे होगा वो प्राधिकरण उसका व्यवहार करेगा और जो PPP डेवलपर होगा वो बाकी चीज़ें उसके द्वारा की जाएंगी। लैंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट की इक्विटी होगी और पार्किंग के बहुत विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि अभी मथुरा वृंदावन में पार्किंग की बहुत भारी समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए लगभग 1400 हेक्टेयर में पार्किंग का एक विशाल स्थान बनाया जा रहा है। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड के बढ़ने के साथ ही लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर के बने रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोहरे और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को आज से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी दिल्ली सहित शीतलहर और कोहरे का कहर बुधवार को भी जारी रहा। इसके आने वाले दिनों में ऐसे ही बने रहने की आशंका है और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए दिखे। पानी आ रहा है और वो परेशानी बढ़ रही है, दूसरे तीसरे गैस में गाड़ी जा रही है। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में बुधवार को धर्मनगरी काशी में पहली बार घने कोहरे की चादरों ने सुगम आवागमन को बाधित कर दिया। शीतलहर और कोहरे के कारण एक ओर जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहीं इससे यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। कई स्टेशनों पर ट्रेन अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही है। लोग अपने गंतव्य पे समय से नहीं पहुंच पाएंगे, उनको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, किसी डॉक्टर को दिखाना है तो उससे परेशान है, ये सब तो हो ही रही है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घने कोहरे के कारण तेनुआ टोल प्लाजा और बाघागाड़ा फोर लेन के बीच कुछ वाहनों की टक्कर हो गई। यहां 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सुबह करीबन 6:30 बजे के करीब 6 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 5-6 लोगों को घायल सूचना मिली थी, हॉस्पिटल उन्हें सदर हॉस्पिटल में ले जाया गया है और क्रिटिकल कंडीशन किसी की नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट है तो ओवर स्पीडिंग ना करें, धीमी गति में चलें क्योंकि कोहरा अभी काफी घना रहने वाला है। सर्दियों के 40 दिनों की गंभीर अवधि चिल्ले कला बुधवार को कड़ाके की ठंड के साथ शुरू हो गई। इसके साथ ही श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। आलम यह है कि राज्य के 8 शहरों का पारा 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। उच्च पर्वतीय इलाकों में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को बर्फ गिरने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में ठंड और अधिक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान गिरकर 15.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है जो अब तक का सबसे कम तापमान है। अधिकतम तापमान भी महज 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य है। बिहार की राजधानी पटना में तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी है। यहां सुबह के समय
घना कोहरा देखने को मिला। अटारी वाघा सीमा पर घना कोहरा और शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। धुंध के टाइम में विजिबिलिटी थोड़ा 0 डिग्री हो जाती है, लेकिन हमारे इरादे हैं वो बुलंद रहते हैं, हम हमेशा पर रहते हैं। इस टाइम पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन टाइम पे हम सुनने जोर देते हैं, पेट्रोलिंग चलती रहती है। दिक्कत तो आती है, लेकिन हमें भर्ती इसीलिए किया गया है कि हम आंधी हो तूफान हो बारिश हो कुछ भी हो हम यहाँ पर ड्यूटी करें ताकि देशवासी आराम से सो पाएं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इस दौरान तेज शीतलहर चलने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री और आईसिना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गरीबों के लिए भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रदेश में रैन बसेरे और अलाव जलाने की व्यवस्था का निर्देश देने को समय पर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार के दौरान गरीबों और बेसहारा लोगों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने उन्नाव में भी रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और पत्रकारों से सहयोग करने की अपील की है। और समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। देश में कोरोना की स्थिति का लिया जायजा। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड 19 की ताजा स्थिति को लेकर दिया बयान। कहा विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच सभी हवाई अड्डों पर आज से हुई शुरू। उत्तर प्रदेश में कोविड की नई चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कोविड प्रबंधन के निर्देश। और उत्तर भारत में ठंड का कहर, प्रदेश ने भी ओढ़ी कोहरे की चादर, पारा गिरा नीचे। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सरकार ने रैन बसेरा और अलाव जलाने के दिए निर्देश। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।